शॉपकीपर के पास 321 मार्जिन है और वो उसमें से 110 मार्जिन बेच दिया, तो उसके पास कितना मार्जिन बचा उसकी दुकान में, ये पूछ रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से सजा के लिखेंगे, ए शॉपकीपर है मार्वेल्स। हम लोग को कई बार नहीं लिखना है, ये हमको क्वेश्चन में से ही सजा के यहाँ पे लिखना है, इस तरह से मैंने लिखा है, ए शॉपकीपर है मार्वेल्स 321। ए शॉपकीपर है मार्वेल्स 321। ही सोल्ड आउट मार्वेल्स। ही सोल्ड आउट मार्वेल्स, वो कितना मार्वेल को बेच दिया था, 110 मार्वेल्स। ठीक है, 110 मार्वेल्स। तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको सब्ट्रैक्शन करना है यानी घटाना है। तो हमको इस तरह से इसको सजा के लिखेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे 1 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में से 1 क्या है 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 3 में से भी 1 गया तो क्या बचेगा 2। तो 321 में से 110 चला जाएगा तो कितना बचेगा 211 मार्केट्स। ठीक है, इस तरह से हम लास्ट में जिस लाइन से पूछा गया है हाउ मेनी मार्केट देयर इन द शॉप, इसको हम लोग किस तरह से सजा के लिखेंगे, इसको इस तरह से सजा के लिखेंगे, देयर आर 211 मार्केट्स इन द शॉप, देयर आर 211 मार्केट देयर इन द शॉप। ठीक है, आप इसको अच्छे से घर में कोशिश कीजिएगा।